हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का एपिसोड है 69th एपिसोड, तो आई होप आप यू गेट द जोक और आप लोगों को अच्छा ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग सेशन के अंदर। लेकिन सबसे पहले उससे पहले जितने भी लोग नए आए हैं, पहली बार आए हैं अपने चैनल पर, तो अपनी कम्युनिटी से जुड़ जाओ, जो कि बहुत कूल है और बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं, ऑल लोगों की भी कम्युनिटी इंटेलिजेंट है, मैं ऐसा नहीं करूँ, बट हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। तो चैनल से जुड़ जाओ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके, और जो लोग पहले से हैं वो बेल बटन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो वो तो जुड़ना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, टेलीग्राम पे जुड़ जाया करो। तो अब चलते हैं डायरेक्टली पहली न्यूज़ की ओर। इलॉन मस्क ने हिंट दे दी है कि उनके पास 42,000 बिटकॉइंस हैं। अच्छा, ये सुर्खियों में बने रहते हैं। इलॉन मस्क की एक खास बात है कि वो बहुत सुर्खियों में बने रहते हैं और ज़बरदस्ती बने रहते हैं। पीआर टीम इनकी बहुत बढ़िया है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है कि एक्चुअल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। एक बंदे हैं जिन्होंने SEC यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में सबमिट हुए जो टेस्ला की बिटकॉइन होल्डिंग की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने देखा था कि उसमें लिखा हुआ था कि इनकी जो बिटकॉइन की होल्डिंग थी वो थी 1.47 बिलियन June 30 के आसपास। तो एक बंदे हैं जिन्होंने June 30 के आसपास बिटकॉइन के प्राइस को लिया, उससे डिवाइड किया 1.47 बिलियन को, तो उससे उन्हें निकालने को मिला 42,000 बिटकॉइंस के आसपास। 42,069 यहाँ पे भी आ गया, तो 42,069 बिटकॉइंस यहाँ पे निकला। तो इलॉन मस्क ने रिप्लाई कर दिया, भैया ये तो दूर रहने से रहे। इन्होंने कहा वी डोंट हैव दैट मैनी बिटकॉइन बट इट्स क्लोज। तो इन्होंने कहा एग्जैक्टली तो ये नहीं है, 42,000 होगा, 40,000 होगा ज़्यादा ज़्यादा, या फिर ऐसे ही कुछ होगा 39,000, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। मेरे ख्याल से, मेरा भी यही मानना है कि प्राइस अगर इतना दिया है तो उसको डिवाइड करके निकाला जा सकता है कितना होता है, तो फिर वही निकाला है इन्होंने। तो एक्चुअल में ये बात है, और इतने ज़्यादा अमाउंट में अगर टेस्ला ओन कर रही 42,000। अच्छा, इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि माइक्रो स्ट्रेटजी के पास 1,00,000 बिटकॉइन है, तो 1,00,000 का आधे से थोड़ा आसपास ही 42,000 इनका निकल आया, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि इनका और भी कम है होल्डिंग, बट इनकी होल्डिंग अच्छी खासी अमाउंट में निकल आई है। तो ये भी एक अच्छी कूल न्यूज़ है जो कि आई है, बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग आज का डेटा बताता हूँ मैं आपको, जो कि ये क्रिप्टो पॉपुलेशन जो है वो डबल हो गई 200 मिलियन यूज़र्स सिंस जनवरी, यानी जनवरी में या फरवरी के आसपास 106 मिलियन लोग ही सिर्फ क्रिप्टो में थे, अब 200 मिलियन लोग आ गए हैं क्रिप्टो में, मतलब डबल हो गया है। ये वही हाल है जो इंटरनेट में था, और जो कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके अडॉप्शन में यही होता है, पहले वो बहुत स्लो चलता है, बट एक जब वो पीक पे पहुंचता है तो उसकी ग्रोथ सिर्फ ऐसे होती है, एक्सपोनेंशियल, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना पावर में बढ़ता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आया गया, और इसको हम लोग नहीं निगलेक्ट कर सकते कि क्रिप्टो अब पूरी दुनिया में फैल रहा है, और जिस रिवॉल्यूशन का हम हिस्सा हैं वो हम बहुत पहले हिस्सा बन गए हैं, एक ऐसे रिवॉल्यूशन का जो दुनिया को चेंज करके रखने वाला है। तो आप देखोगे 106 बिलियन से 221 मिलियन पहुंचने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, 6 महीने का समय लगा, ठीक है, और इससे पहले 100 मिलियन पूरे करने में हमें लग गए 10 साल। तो कितनी बड़ी बात है गाइस। तो ये एक चीज़ हो गई, एंड अगर मैं इसको हटाऊं आपके सामने से, अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट न्यूज़ को, जो कि ये पेपाल की क्रिप्टो के ऊपर बनी एक सुपर ऐप आने वाली है जो रोल आउट हो जाएगी सून। तो पेपाल क्रिप्टो के ऊपर एक ऐप, आपको पता है पेपाल ने क्रिप्टो में मतलब बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन्स अलाउ कर दिए थे पिछले कुछ महीनों में, और 100,000 भी कर दी थी लिमिट अब तो। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके पास 400 मिलियन का एक्टिव यूज़र अकाउंट्स हैं। पेपाल जैसी कंपनी, समझ लो सबसे बड़ी पेमेंट्स तौर के तौर पे यूज़ करने वाली कंपनी हो गई। तो पेपल अगर क्रिप्टो को नहीं अडेप्ट करेगी समय से, तो पेपल पूरी तरह से पिछड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पेपल का काम भी वही है, पैसे ट्रांसफ़र करना, क्रिप्टो को भी लोग उसी लिए यूज़ करते हैं। तो दो चीज़ों में कंपटीशन हो, इससे बढ़िया है कि दोनों मिलाप कर लें, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टिविटी जुड़ जाए साथ में। तो वही चीज़ पेपल कर रहा है, और मुझे पेपल इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि पेपल ने समय से बिटकॉइन को पकड़ लिया और अपने में ही अडेप्ट कर लिया ताकि लोगों को वो ऑप्शन दे सके। तो अब लोग पेपल में ही बिटकॉइन को सेंड कर सकते हैं, क्रिप्टो को सेंड कर सकते हैं। अब इन्होंने स्पेशलाइज एक ऐप बनाने की सोची कि जो ऐप पेपल यानी क्रिप्टो को ही संभालेगी, उस ऐप में आप लेंडिंग, बोरोइंग सब कुछ कर सकते हो, फंडिंग कर सकते हो। तो वो ऐप आने वाली है। पेपल ने रिसेंटली $20,000 से $100,000 कर दी थी लिमिट अपनी, और आप देखोगे कि इस ऐप का नाम सुपर ऐप है शायद, ठीक। तो ये आने वाली है, अभी रिसेंटली हमें देखने को मिल सकती है। इथेरियम की ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है उसका ग्रोथ हुआ है बिटकॉइन से ज़्यादा 2021 में, ये एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में कॉइनबेस की रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि इथेरियम इज़ आउट परफॉर्मिंग अदर क्रिप्टो करेंसीज। टोटल एक्सचेंज वॉल्यूम जो है इथेरियम का 1461% है, बढ़ गया है, 1.4 ट्रिलियन हो गया है बढ़ के।
तो इसने बिटकॉइन को पीछे छोड़ दिया है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो बिगेस्ट एक्सचेंज कॉइनबेस जो है उसने ये बताया है, ये रिपोर्ट बताई, बिटकॉइन का खाली हुआ था 489%, जबकि इथेरियम का हुआ है 1461%, यानी 3 गुना ज़्यादा इथेरियम में वॉल्यूम हुई है, मानी इथेरियम में ट्रेडिंग हुई है कस के। तो इथेरियम जैसे पॉपुलर हो रहा है, क्यों हो रहा है आप सभी को मालूम है, एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस जानना हमारे लिए। अच्छा, इस न्यूज़ को पहले कवर कर लेते हैं, क्योंकि बिट माइनिंग ने ये कहा है कि वो 2500 और बिटकॉइन माइनर्स को कजाकिस्तान बेचेंगे। आपको पता है बिट माइनिंग चाइना की कंपनी है जो बिटकॉइन माइनिंग में मदद करती थी, इसकी जितने भी माइनर्स थे सब चाइना में थे। अब चाइना ने जब से लगाया है बैन, तो चाइना के बैन के बाद से सब लोग हट रहे हैं। अब बिट माइनिंग ने फैसला लिया, वो अपने माइनर्स को भेज रही है कजाकिस्तान। तो पिछले कुछ दिन पहले भी मैंने आपको न्यूज़ बताई थी कि उन्होंने 1500 के आसपास लोगों को भेजा था, शायद कुछ नंबर आए थे 4000 शायद बिटकॉइन माइनिंग रिंग लगाई थी। अब 2500 क्रिप्टो माइनिंग मशीन और लगाई जा रही है कजाकिस्तान में अब। तो ये एक बहुत बड़ी बात है गाइस, और बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्रिप्टो, मतलब अभी साफ हो चुका है, क्लियर तो अभी हो गया कि अब चाइना का कोई कंट्रोल नहीं रह गया क्रिप्टो माइनर्स के ऊपर। ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, घाना के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं उन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए डिजिटल करेंसी को, क्योंकि देखो एक तो उधर अफ्रीकन, अच्छा ऑफेंड मत होना, बट ये देखो अफ्रीकन कंट्रीज़ में अभी गरीबी बहुत है, एंड उस जगह पर अगर यहाँ पर क्रिप्टो का अडॉप्शन करेंगे तो मे बी सारे लोग जिनको बैंकिंग की सुविधा नहीं मिलती वो क्रिप्टो का इस्तेमाल करके थोड़ा अपने आप को इकोनॉमिकल सिचुएशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए क्रिप्टो को एम्ब्रेस करना चाहिए रैदर देन उस पर रेगुलेशन लगा, मतलब कड़क रेगुलेशन या बैन लगाने से। स्टेट स्ट्रीट टू स्टार्ट ऑफरिंग क्रिप्टो सर्विस टू प्राइवेट फंड क्लाइंट्स, जो अपने प्राइवेट क्लाइंट्स हैं उनको ये क्रिप्टो सर्विस देने वाला है स्टेट स्ट्रीट। अगर आपको स्टेट स्ट्रीट की पावर नहीं मालूम है, छोटी मोटी कंट्री लग रही, तो इससे देखिए 40 ट्रिलियन के डॉलर के एसेट के होल्ड करता है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितनी बड़ी कंपनी है, और इसने कहा है कि अपने प्राइवेट एम्प्लॉय प्राइवेट क्लाइंट्स को क्रिप्टो का एक्सपोजर देगी, क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग की अलाउ करेगी। अच्छा, एक और चीज़ है, यूनिक बिटकॉइन बैक्ड होम लोन रिफाइनेंसिंग डील इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में क्या हुआ है, सैन डिएगो में हुआ है कि 28 को ये अनाउंसमेंट की गई कि जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हैं उनको BTC में ट्रांसफर पेमेंट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। ये न्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी शायद। अब क्या हुआ है कि आप लोन ले सकते हो होम लोन, वो बिटकॉइन को कोलैटरल सबमिट करके, मतलब बिटकॉइन को रखवा के गिरवी आप ले सकते हो होम लोन और अपना घर बना सकते हो। बड़ी चीज़ है, बड़ी न्यूज़ है, और अभी इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मेरा एक बिलीफ है कि आगे आने वाले समय में हम ऐसा कुछ देखेंगे इंडिया में ज़रूर। तो गाइज ये था आज का सेशन, आई होप आपको पसंद आया हो, और कमेंट में करके बताना कि आपको कैसा लगता है सेशन डेली क्रिप्टो हिंदी। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।